सो हेलो दोस्तों, कैसे हो? आए हो आप लोग ठीक होंगे और आगे भी ठीक रहे तो गाइस स्वागत है आपका हमारी आज की न्यू वीडियो में। तो गाइस हमने जो लास्ट वीडियो अपलोड करी थी उस पे आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया और अपना प्यार दिखाया, तो उसके लिए थैंक यू। ऐसी सपोर्ट करिए आपका भाई, आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाता रहेगा। तो गाइस यहाँ पर जो फ्री फायर बैन फ्री फायर करके पूरे इंडिया में आल यूट्यूब पे यहाँ पर फैला हुआ है कि इंडिया में फ्री फायर को बैन कर दिया गया है, तो क्या सच में बैन कर दिया गया? मैं आपको दिखाता हूँ कि फ्री फायर को बैन किया गया या फिर नहीं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक न्यूज़ निकल कर बाहर आई है कि यहाँ पर 14 साल के बच्चे ने सुसाइड कर लिया है। फ्री फायर खेलता था, उसका कुछ भी प्रॉब्लम हुआ होगा तो उसने सुसाइड कर लिया है। इसीलिए यहाँ पर 13 को उसने सुसाइड किया था और 14 को यहाँ पर गेम ऐप स्टोर एंड प्ले स्टोर से हटा दिया गया। तो गाइज ये न्यूज़ आपको रियल लगती है फेक लगती है कमेंट करके बताइए। मेरे हिसाब से तो ये न्यूज़ फेक है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी न्यूज़ आपको गूगल यूट्यूब पर मिल जाएंगी कि यहाँ पर उसने सुसाइड कर लिया इसको लेकर के उसको लेकर के। तो गाइज मेरे हिसाब से ये न्यूज़ फेक है। और गाइज अपना गेम अगर बैन हो चुका है तो अभी तक क्यों चल रहा है? अगर बैन हुआ होता तो सारी टेलीकॉम कंपनी अपना सर्वर यहाँ से फ्री फायर ऐप से डाउन कर देती, जिससे हमारा गेम स्टार्ट नहीं होता। तो गाइज यहाँ बात करते हैं दूसरी न्यूज़ की। यहाँ पर रियलमी जो है वो यहाँ पर फ्री फायर के साथ कोलैब कर रहा है। मतलब कि अभी कुछ महीने पहले अमित भाई अपने जो देसी गेमर है उन्होंने रियलमी के एक फ़ोन को यहाँ पर कोलैब उनके साथ हुआ था, तो वो वहाँ पर गए थे एडिशन में, तो उन्होंने इस फ़ोन के बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जो कि गेम में अच्छे सपोर्ट करने वाली चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर अगर फ्री फायर रियलमी के साथ कोलैब कर रहा तो इसका मतलब गेम बैन हुआ ही नहीं है। अगर गेम बैन हुआ होता तो यहाँ पर इंडिया में ये कोलैबेशन एडिशन होता ही नहीं। तो ये रियलमी 9 प्रो प्लस कोई भी मोबाइल है उसी को लेकर के यहाँ पर हो रहा है। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ कि फ्री फायर इंडिया में तो बैन हो चुका है, बट यहाँ पर वो जल्दी ही बैक आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर बैन गेम हो जाता तो यहाँ पर फ्री फायर खुद ही ट्वीट करके या फिर यूट्यूब पे कहीं ना कहीं वीडियोस अपलोड करके खुद बता देता कि यहाँ पर मुझे इंडियन सर्वर से बैन किया गया। बट यहाँ पर फ्री फायर अंदर ही अंदर कुछ कर रहा है जिससे वो अपने आप को चाइनीज़ कंपनियों से हटा सके। तो यही था वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।